अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, वी हैव कम विथ करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आज हम देखेंगे करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में कौन कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जिस पर आपको फोकस करना है इस आने वाले एक महीने में। ठीक है, पहला करंट डेंसिटी, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिविटी, यानी कि इन तीनों को तो आप एक ही मिले लीजिए। दो तीन फॉर्मूले जो इन तीनों पार्ट को आपस में कोरिलेट करते हैं। ठीक है, करंट डेंसिटी, करंट, उसका रिलेशंस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये जो कोरिलेशंस है, ठीक है, छोटे से एक दो तीन चार फॉर्मूले आते हैं इसमें, वो भी आप डिराइव कर सकते हैं यदि आपको कॉन्सेप्ट पते हैं इसके तो। ठीक है, तो इसके ये फर्स्ट थ्री पार्ट से एक क्वेश्चन आता है जनरली। ठीक है, देखा गया क्वेश्चन, जनरली ये क्वेश्चन तो हर बार रहता है। ठीक है, फिर आते हैं हम आपके किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, यदि आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना चाह रहे हैं तो किरचॉफ लॉ तो आपको आना ही चाहिए, बेसिक है किरचॉफ लॉ। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ दोनों पढ़ के जाइए, क्योंकि नीट में एक बार तो सिंपल किरचॉफ लॉ ही पूछ दिया गया था कि फर्स्ट लॉ क्या है और सेकंड लॉ क्या है। ठीक है, तो इतना सिंपल क्वेश्चन आते हैं किरचॉफ लॉ से। और आपको यदि सर्किट डायग्राम आया जिसको मैंने यहाँ पर दिखाया है सिक्स में, सर्किट बेस्ड क्वेश्चन, वो भी किरचॉफ लॉ से सॉल्व होते हैं जनरली। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ और सर्किट बेस्ड आपस में क्या है, कोरिलेटेड है, तो इस दोनों को आप अच्छे से देख कर जाइए। ठीक है, फिर आते हैं रेजिस्टेंस का रिलेशन लेंथ, एरिया और रेडियस। रेजिस्टेंस मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि रेजिस्टेंस कैसे वेरी करेगा, यदि हम लेंथ दुगुना कर दें, वायर को कट करके उसका रेडियस आधा कर दें, जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो भी कंटिन्यूअसली आ रहे हैं नीट में। ठीक है, तो इस पर आपको खास से आप फोकस करना है। ठीक है, इस पर मैंने रेड से लिखा भी और स्टार भी लगाया हूँ, समझ में आ रहा है, रेड से लिख कर मैंने स्टार लगाया, यानी कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस पर आपको एक्स्ट्रा फोकस करना है। फिर ये हो गया है किरचॉफ लॉ और फोर और सिक्स, तो किरचॉफ लॉ के साथ साथ ही रिलेटेड मैंने बोल दिया यहाँ पर। फिर आता है सबसे सबसे ज्यादा सुपरस्टार इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट पर भी क्या आपको फोकस करना है, ज्यादातर पोटेंशियोमीटर। मैंने क्या बोला, अपने ध्यान से सुना ना, पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज। यदि क्वेश्चन आ गया, मैं तो चाहता हूँ मीटर ब्रिज क्वेश्चन है, क्योंकि मीटर ब्रिज में कुछ नहीं करना है, L1 पर L2 इक्वल टू R1 पर R2, बस एक फॉर्मूला डाटा पुट के आंसर निकल जाएगा, लेकिन ज्यादा चांसेस है पोटेंशियोमीटर का आने का। तो इंस्ट्रूमेंट तो अच्छे से ग्रिप होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट से एक क्वेश्चन पक्का है। फिर इधर रेजिस्टेंस का लेंथ, एरिया, रेडियस के साथ वेरिएशन आ सकता है, एक सर्किट आ सकता है, सर्किट में किरचॉफ लॉ के साथ लगाना आपको निकल जाएगा। और एक यहाँ जनरल सा करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक रिलेशन, आई इक्वल टू एनी एवीडी याद रखिए, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो इन टॉपिक्स को आपको फोकस करना, जो मैंने रेट से लिखा है, ठीक है, काफी फोकस करना आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि तीन क्वेश्चन आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, तीन क्वेश्चन मीन्स 12 मार्क मीन्स एवरेज में क्या कहूँ, 2000 रैंक का तो डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, पीछे में 2000 रैंक का डिफरेंस आता है, पीछे रैंकों में, आगे में 500 से लेकर 1000 तक का डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, इसलिए इन टॉपिक्स को अच्छे से कीजिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। और यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, और मुझे पर्सनल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया।